इस लिटरली मैं पिछले दो तीन घंटे से लावा गौड चीख चीख कर पूरे शहर को बुला रहा है कि असल में उसके पास कुछ स्पेशल है हमारे लॉस एंटाउस वासियों के लिए तो मैं भी भाई सीधा घर से यहाँ पर आ चुका हूँ देखने के लिए कि क्या स्पेशल है भाई लावा गौट के पास वैसे तो आप सभी जानते ही हैं ये लावा गौड कुछ अच्छा कॉड नहीं है काज ये लोगों के बुरे के बारे में ज़्यादा सोचता है बट आज इसने ऐसा क्या अच्छे के बारे में सोच लिया अरे

फेक जो भी फेक वाले को फोड़ेगा हो सकता है वो जिंदगी भर के लिए मारा जाए या कैद हो जाए लेकिन अगर इसमें से असली वाला फोड़ा गया तो दुनिया का सबसे स्पेशल लावा ट्रेन मिलेगा तुम्हें इसमें जो कि शहर के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा कोई गरीब हो या अमीर सब जा पाएंगे उस ट्रेन का सफर करके वट मतलब दो एलिमेंटल मिस्ट्री बॉक्स में से एक फेक है और एक असली है अरे बापरे ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई टोनी भाई साहब टोनी मैं फोड़ के देखूँ क्या मैं नहीं फ्रैंकलिन भाई तू पागल हो गया है क्या अरे हम शहर के सबसे ज्यादा सही और सुपर पावरफुल इंसान है इसलिए अवेंजर्स का हक बनता है कि हम ही ने मिस्ट्री को और वैसे भी कौन सा ऐसा खतरा होगा मुझे तो ये वाला ज्यादा रियल लग रहा है बॉक्स क्योंकि ज्यादा चमक भी रहा है बिल्कुल सही कहा टोनी इसी को फोड़ जल्दी करो बच्चों एलिमेंटल मिस्ट्री बॉक्स कहीं खुद ना फट जाए कर रहे हैं कर रहे हैं ट्राई भाई राट ये मारा अब 我咩爸爸，哈哈，依家我呀，我真系。 ये तो हम बुरी तरह से फंस गए अरे टोनी सर कैसी चोईस आपकी फसवा दिया अरे तो तुम लोगों ने भी तो बोला था अभी तो मैं दूसरा बॉक्स भी नहीं फोड़ पाऊंगा अब दूसरा बॉक्स कौन फोड़ेगा अरे हम नहीं फोड़ेंगे हमें डर लगता है अरे भैया हम नहीं फोड़ेंगे अरे लॉस एंटोस वासियो तुम में से किसी को बॉक्स फोड़ना होगा ओह नो गाइस लोगों ने अपने सामने ये देख लिया ना कि लाई लावा गॉड का दिया हुआ एलिमेंटल बॉक्स क्या कर सकता है इसलिए सब डर गए अब कोई भी अलावा लावा गॉड का दिया हुआ एलिमेंटल बॉक्स फोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वैसे तो मुझे भी शक ही हो रहा है लावा गॉड कहीं हमें फसवाने के लिए एलिमेंटल मिस्ट्री बॉक्स तो नहीं लिया सच इसमें लावा की ट्रेन निकलेगी बना रहा है और, और ट्राई तो कर फ्रैंकलिन चलो मैं इस ले लेता उस को ये मारा गॉड गाइस एलिमेंटल मिस्ट्री बॉक्स मैंने फोड़ा बहुत बहुत बड़ी मतलब बड़ी मतलब लावा की प्योर बुलेट ट्रेन प्रकट हो चुकी है अरे मैं तो अमीर हो गया, मैंने है गाइज देखिए कितनी ज्यादा लंबी ट्रेन है यार मेरे तो मजे आ गए गाइस <laughs> यार गायस सिंचा कि भाई एलिमेंटल मिस्ट्री बॉक्स में मैंने लावा गॉड की लावा बुलेट्रीन निकाली है वो तो पागल ही हो जाएंगे गाइस अब एंजेस बेचारे तो जाल में फंस गए लेकिन मेरे मजे आ गए और क्या मजे आ गए तेरे ये पूरी लॉस सेंटोस की पब्लिक के लिए है ट्रेन तेरे लिए नहीं फ्रांकलन तू तो इस ट्रेन पर चढ़ेगा भी नहीं कीड़ो है मैंने तो तेरा बस इस्तेमाल किया था एलिमेंटल बॉक्स फोड़ने के लिए लॉस सेंटोस यो, ये देखो लालची लाल नहीं भाई मैंने एलिमेंटल छोड़ा तो कम से कम थोड़ी दिन के लिए तो ये ट्रेन मेरे पास होनी चाहिए बकवास बंद कर ये ट्रेन लॉस वासियों को मिलेगी एकदम फ्री में वो जहां जाना चाहेंगे वहां जाएंगे बिल्कुल फ्री में क्या एकदम फ्री में गाइस दौल में कुछ तो काला है ये लावा गोड इतना अच्छा नहीं है कि एक पूरी की पूरी लावा की ट्रेन लोगों को ही फ्री में दे दे कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी भाई इस लावा की ट्रेन पे कोई चढ़ेगा कोई जलेगा नहीं ना ही कोई नहीं चलेगा जो मुझे सच्चा लावा गॉड मानता है वो इस ट्रेन पर चढ़े वो बिल्कुल भी नहीं जलेगा चलो ये तो अच्छी बात है बट फिर भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है गाइज ये लावा गॉड फ्री में ऐसा क्यों कर रहा है भाई तो मुझे समझ नहीं आ रहा फ्रैंकलिन तुझे पता करना होगा इसके पीछे का राज क्या है बिल्कुल सही कहा हल्को भी शक है काइज देखो अगर आपको भी शक है तो जल्दी से कॉमेंट में यस लिखिए यहां पर देखिए पब्लिक ऑलरेडी ट्रेन पर चढ़ भी गई है अरे मजा आएगा चलो भैया चलो नॉर्थ नॉर्थिंगटन स्टेशन चलो आराम भैया न्यूयॉर्क स्टेशन छोड़ दो और जाओ जाना चाहोगे भाइयों बहनों तुम जाओ ये तुम्हारी ही बुलेट ट्रेन है हैलरेडी भाई साहब ऑलरेडी भाई ट्रेन में इतने अंदर बंदे बैठ गए हैं कि बाहर ऊपर भी ट्रेन के चढ़ गए यार और ये लो ट्रेन तो चलने भी लगी वाट? अब ये रोड में चल रही है कुछ तो क्या ऐसा तो नहीं है बीच में आके ब्लास्ट हो जाए लोगों की रास्ता ढूंढ जाए ये रेल कुछ तो कर रहा है तभी इसने मुझे बैठने नहीं दिया है कभी मैं सच्चाई का पता लगा लू गाइज मैं जल्दी से कार लेता हूँ फ्रेंकलाइन तुझे पता करना होगा और हमें बताना होगा उठी कसम हाँ फ्रैंकलिन, जल्दी कर और जल्दी से पता कर ये ट्रेन लावा गोड ने फ्री में क्यों दिए लोगों को हाँ और थॉर है तुम लोग चिंता मत करो मैं अभी कभी यहां से जा रहा हूँ और उस ट्रेन का पीछा करता हूं यार वो ट्रेन अभी तो यही थी वो रही वो रही गाइस एक मिनट पहले बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है ट्रेन रोड पे चली क्यों रही है रोड पे ऑलरेडी कार वार चलती है भाई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट और रे मैंने बस एक्सीडेंट का नाम भी और एक्सीडेंट हो भी गया अरे खाइश देखो कुछ तो गड़बड़ है आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब अब तो भाई साहब ये ट्रेन ना यहाँ पे एक्सीडेंट भी करते हुए जा रही है मतलब कुछ तो दाल में काला है मैं पता करके रहूंगा ये बुलेट ट्रेन का आखिरकार मकसद क्या है ये लावागोट ने फ्री में लोगों को क्यों दिया है चलो गाइस जल्दी चलते हैं अरे ट्रेन तो गायब हो गई आई थिंक ट्रेन ने साइड वाला जो पटरी है रास्ता उसे पकड़ लिया है मैं काम करता हूँ जल्दी से राइट टर्न लेता हूं और इधर से रेल की पटरी की तरफ चलता हूं मुझे यहां पर देखिए गाइस ट्रेन कहीं दिख नहीं रही है हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा रेल की पटरी रेल की पटरी कहाँ मिलेगी हाँ जंगल में होती हुई मिलेगी ऑलराइट दोस्तों यहां से देख रहे हैं एक मिनट वो रही गाइस ट्रेन वो खड़ी अरे ये जंगल में क्यों रुक गई है ट्रेन ये तो चलती रहनी चाहिए ना इसको नॉर्थ इंगटन स्टेशन जाना है और भाई साहब ये जंगल में ट्रेन रुक क्यों गई कुछ तो गड़बड़ है गाइस मैं लिटरली मैं पता करके रहूंगा ओ भाई साहब ये ट्रेन तो टेढ़ी मेढ़ी हुई पड़ी है पूरी तरह से और आम आजा गया हा, 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 हा। सबको लूट लिया क्या ट्रेन में लुटेरे भी थे ट्रेन लुट गई क्या हो रहा है ये ओ भाई साहब ये क्या कहते हैं ना भाई गाँव बस आनी लुटेरे पहले आ गए ये तो वो वाला हाल हो गया आज बुलेट ट्रेन का पहला दिन था जाने का लोगों को पहुंचाने का और यहाँ पर लूटपाट एक मिनट ये लोग तो जाने पहचाने से लग रहे हैं अरे ये तो सारे के सारे रेडल के हैं गाइस मैं कर देखता गए अगर इन्होंने मेरे को पकड़ लिया ना ये मुझे जाने नहीं देंगे देखिए गाइस पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा लावा गॉड ने भाई साहब इस बुलेट ट्रेन को कैसे बनाया कि जंगल में बीच में अटक गई है अरे कोई बचा अरे भैया बचा हमारे सारे पैसे छीन लिए और हमें ले भी नहीं पा रहे कोई बचा और कोई तुम्हें नहीं बताएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा हमने तुम्हें लूटा है ओ मे गॉड तो असल में ये रेडल की आर्मी ने यहाँ पर पूरे के पूरी लावा ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स बैठे थे उन सबका पैसा चुरा लिया गाइस मुझे बताना होगा ट्रेन भाई साहब लूट ली गई है खड़ा है बहुत हा, 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 मेरे बच्चो एक भाई जल्दी छुप जाता हूँ देख ना ले मेरे को ये अरे ये खुश क्यों हो रहा है अपनी ट्रेन लुटवाने पर कौन खुश होता है कुछ तो गड़बड़ेगा हम पता करके रहेंगे और तुम बहुत अच्छा काम किया। इन मोर को लगता है, मैं इनका काम फ्री में कर दूंगा मेरी बुलेट ट्रेन इसी तरह से पैसेंजर्स को लाएगी और तुम उसको लूटना उसके बाद इन सभी पैसेंजर्स को बेहोश करके दूसरे देश भेज देंगे जिससे कभी वापिस ना पाए किसी को बता ना पाए हम लोगों को लूट रहे नहीं ये क्या गाइस इस बारे में मुझे एवेंजर्स को जल्दी बताना पड़ेगा एक मिनट वो कौन है रुक जा अगर तू नहीं रुका तो मैं तेरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा सिंचाई मिर्जा चौक मार दूंगा नहीं, नहीं 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 लावा गॉड ने देख लिया मेरे को सबसे पहले गाइस मुझे सिंचाई मिजा चौक को बचा नहीं चलना पड़ेगा वो सच में सिंचाई मिर्जा चौक को हार्म भी कर सकता है चलो जल्दी चलते हैं अरे नहीं मैं उसको देख ही क्यों गया भाई मेरे चक्कर में सिंचाई मिर्जा को कुछ ना हो जाए लावा गॉड गाइस बहुत बड़ा है एक सेकंड में मेरे घर पे जा सकता है मुझे जल्दी सिंचाई मिर्जा चौक को वहां से लेकर सीधा एवेंजर्स को बताना होगा कि लावा गॉड लोगों को लूटने के लिए बुलेट ट्रेन में भेज रहा है और भाई उसके बाद उनको बेहोश करके दूसरे दे भेज दे रहा है जिससे वो वापस भी ना पाए और शहर वालों को बता भी ना पाए <laughs> मैं तो बर्बाद हो गया <laughs> अरे मेरी कोई मदद करो ये कौन है मेरे घर के सामने ऑल फादर गॉड पर ये ऑल फादर गॉड इतना छोटा कैसे हो गया भाई और ये रो क्यों रहा है अरे बापर कहीं सिंचय मिचर चौप के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी इसलिए तो नहीं रो रहा हेलो भाई ऑल फादर गॉड एक मिनट पहले छत पे चढ़ता हूँ आप क्यों रो रहे है। हैं पता नहीं ये क्यों रहे देख भाई भाई गॉड सुबह से रोए जा रहा है रोए जा रहा है ओके शुक्र की बात तो ये सिंचय मिजन चौप अभी भी घर पे है और भाई साहब सेफ है बट ऑल फादर गॉड क्यों रो रहा है सिंचय मिर्जा चौब तुमने इससे बात की बताया कि भाई साहब ये क्यों रो रहा है ये कह रहे हैं

हेलो भाई अरे मुझे तुझसे तो बात करनी है गाइस क्यों नाम ऑल फादर गॉड से बोलेंगे वो हमारे लिए एक ऑल फादर गॉड की ट्रेन बनाए अरे बच्चे मैं खुद चाहता हूँ ऑल फादर गॉड की ट्रेन बनाना जिससे कि पूरा शहर यहाँ पर उस ट्रेन में आराम से यहाँ पर इधर से उधर घूमे एकदम फ्री में लेकिन उसके लिए मुझे ताकत चाहिए मैं अभी बुलेट ट्रेन बनाऊँगा तो मुझे सौ साल लग जाएंगी लेकिन अगर मैं असली पावर में आ गया तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर ऑल फादर गॉड की स्पेशल ट्रेन बना दूंगा तेरे लिए सच में लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा उसके लिए तुझे टास्क कंप्लीट करने होंगे टास्क मैं कुछ समझा मिजन के पास जा वहां पर तुझे एक पेपर मिलेगा पेपर में जो भी लिखा है वो का टास्क कंप्लीट कर मुझे भी नहीं पता नहीं क्या क्या लिखा होगा तभी फादर गॉड की ट्रेन बना पाऊंगा अभी मैं की ट्रेन बनाने में लग जाता हूं okay, guys, तो हमारे लिए ट्रेन बनाने में लग गया है बाकी वो कह रहा है कि उसकी पावर अगर मैं वापस दिला दूं तो भाई साहब हमारी ट्रेन जल्दी बना पाएगा प्लीज जल्दी से लाइक दो वीडियो को और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब

ऑल राइट गाइज अब जल्दी से कार में बैठते हैं संजय पीछे चो अब जल्दी से कार में आओ और हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा कल भाई किसकी कार है भाई बड़ी स्पेशल है ही ही भैया कैट तो बड़ी बढ़िया है ही। अरे हाँ कार मेरी नहीं है मैं किसी की ऐसी उठा लाया था खैर जल्दी चलो और जल्दी जाके भाई हमें अवेंजर्स को भी साथ में लेना होगा जिससे कि हम साथ में आइज गॉड से ऑल फादर गॉड का एलिमेंटा लेक्चर आ पाएँ और ऑल फादर गॉड बदले में हमें एक ऑल फादर गॉड की ट्रेन बना कर दे खाइज वो कैसी ट्रेन होगी यार बड़ी स्पेशल होगी ना अब तो हमें बनवानी पड़ेगी वो ट्रेन इसलिए चलो पूरी स्पीड में जल्दी चलते हैं ओके ये क्या वाह बर्बाद हो गया मेरे अवेजर्स मुझे छोड़ के चले गए वो टोनी तू यहां क्या कर रहा है भाई अरे बाप रे मैं तो तेरे पास ही आ रहा था मुझे तेरी मदद चाहिए हमें ऑल फादर गॉड की ट्रेन बनानी होगी क्योंकि जो लावा गॉड का बच्चा है वो असल में लोगों को जंगल में ले जाकर लूट रहा है और उसके बाद वो उनको विदेश भेज दे रहा है कि वो वापस किसी को बता ना पाए ऐसा चलता रहा तो तीन दिन में पूरे लॉस को वो खा जाएगा बर्बाद कर देगा अब अब क्या फायदा यहाँ पर अवेंजर्स तो अभी भी उस लावा गॉड की गिरफ्त में है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तरी कैसे मदद करूं तू मेरे साथ चल हम आइस गॉड से ऑल फादर गॉड का अंडा छीन के लाएंगे जिससे कि ऑल फादर गॉड हमारे लिए बढ़िया सी बढ़िया बुलेट ट्रेन बनाए ठीक है सही क्या

अभी गाइज हम आ चुके हैं सीधा आइस गॉड के पास आप सभी तो जानते हो गए आइस गॉड असल में लावा गॉड का ही बड़ा भाई है इसलिए शायद लावा गॉड गॉड ने से पावर छीन के इसे दे दी होंगी शेयर कर ली होंगी भाई कोई बात नहीं है टोनी पहले हमें ये पता करना पड़ेगा ऑल फादर का जो एलिमेंटल एग है इस आइस गॉड के बच्चे ने कहा पर छिपा के रखा हुआ है बस इतनी सी बात वो तो मैं अभी ड्रोन से पता लगाता हूँ मेरे हिसाब से वो एलिमेंटल एग इसने सबसे सेफ जगह रख रखा होगा फ्रेंकलाइन हो सकता है इसके हेड के ऊपर हो अरे तो भाई जल्दी जूम करना और पता कर बड़ा मजा आ गया ऑल फादर गॉड बर्बाद करके हे हे बहुत जल्द भी बर्बाद होगा अरे नहीं उसके हेड के ऊपर तो नहीं है टोनी अंडा तो फिर इसके मुंह के अंदर चेक कर फ्रैंकल मुंह के अंदर होगा ओके के अंदर जाते हैं यहां पे कुछ है। है। है इसमें से तो अलफादर की एलिमेंटल शक्तियां भी निकल रही है भाई। ये लेने के लिए हमें इसके निकला। अब हम क्या करें हमें वहां जाने के लिए उड़कर जाना होगा अरे तो किस बात की दे रही है टोनी शाह अपना आयमन का सूट निकालना नहीं मेरे सूट सारे खराब हैं मैंने जवाब को बोला कि वो मेरे लिए जाइंट आयमन का सूट बनाए तब तक हम कुछ नहीं कर सकते फिर तो हमें प्लेन का इस्तेमाल करके ही जाना पड़ेगा इसके मुंह के अंदर वैसे तो हम एयरपोर्ट पर ही हैं। यहां पर कोई टूटा फूटा प्लेन नहीं है अरे वो क्या है एक मिनट का इसमें दिखे रहा। जूम करके देखें हाँ येरा प्लेन टोनी काम बन जाएगा भाई इस ट्रेन मतलब इस प्लेन से उड़ते हैं और, और इस आइस गॉड की आंखों में मारेंगे खतरनाक लेजर अटैक और सीधा यहां पर हम पहुंच जाएंगे आइस गॉड के हेड के अंदर और फ्रैंकलिन वाह ये प्लेन तो काफी सही लग रहा है वैसे मेरे पास दो चार लेजर गन अटैक भी हैं तो उन लेजर गन का इस्तेमाल करके हम इस आइस गॉड को थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं फिर तो ये बात तो सोने पर सुहागा जैसी हो जाएगी और दोस्तों अभी टोनी स्टार्क मेरे साथ बैठा है और हम ये प्लेन को उड़ाते हैं और काफी सही पावर है फ्रैंकलिन जल्दी से टेक ऑफ कर अरे ये क्या हो रहा है तुम लोग कौन हो हमारा नाम है फ्रैंकलिन और टोनी स्टॉक और भाई साहब हम यहाँ पर अपने सुपर स्पेशल एलिमेंटल वापस लेना है ये ले और ये ले और फ्रैंकलिन इसकी आंखों पर निशान लगा ये लगा नहीं मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं ये ये अरे अरे नहीं टोनी हम तो उसके मुंह के अंदर जा ही नहीं पाए अरे इसने अपना मुंह बंद कर रखा है दांतों से अरे नहीं हमारा प्लेन क्रैश हो गया तो मुंह वापस ऊपर नहीं उड़ पाएंगे नहीं नहीं टोनी जल्दी अरे फ्रैंकल कुछ कर अरे बाप रे ओके बच तो गए भाई बट गाइस दिक्कत ये हो गई कि आइस गॉड को अब गुस्सा दिला दिया हमने और मुझे लग रहा है अरे बाप रे मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों ने क्या कर दिया ये तुम लोग अब बचने वाले बिल्कुल भी नहीं हो पापा अरे बड़ी जोर से मारा भाई माराट के बच्चे ठंड कैसे हो गई मैंने ठंड किया है अब तुम ठंड में ठिठर ठटर के मर जाओगे अब बाबा फ्रेंगले मैं मैंने तो करूँ कपड़े भी नहीं पहन रखे कपड़े अरे मैं तो बनियान पहन रखा है भाई अरे बाप रे अरे आइस कुछ करो यार ये आइस कोट के बच्चे ने तो अरे मैं तो जम गया मैं भी जम गया हेलो हेल्प मी अरे कोई बचा उनको रुको अभी तुम लोगों को जाल में बंद करता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे कैद कर देता हूँ अब फ्रैंकलिन नहीं हमें बचना पड़ेगा इससे भाई ये तो हमारा राज कर देगा मेरा भाई लावा गौटाता ही होगा उससे कहकर तुम लोगों को जिंदगी भर के लिए लावा की बकेट में डलवा दूंगा फिर तुम वहीं भस्म होके जल के मर जाओगे नहीं भाई साहब इतनी बुरी पनिशमेंट क्यों दे रहा है हमको ओके फाइनली हम बर्फ में से छूट गए लेकिन यार हम टोनी नीचे जा रहे हैं सीधा अब फ्रेंगली बड़ी जोर से लगेगी अः ओ oh नो no, मैंने सोचा नहीं था यार इस आइस गॉड गॉड से ऑल फादर एलिमेंटल चुराना इतना मुश्किल होने वाला है क्या करें इस आइस गॉड की कोई तो कमजोरी होगी इसकी कमजोरी टोनी स्टाक के हिसाब से लावा है फ्रैंकलिन आइस को सिर्फ लावा ही हरा सकता है और लावा को आइस बहुत तो तूने सही कही वैसे भी लावा गॉड और एक कुछ टाइम में आ गया अरे वो आ गया मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन क्यों हम लावा गॉड और आइस गॉड की लड़ाई करा दें अरे नहीं ये दोनों जिगरी दोस्त प्लस भाई हैं एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे बट एक मिनट वो लावा बकेट के बारे में भी तो इसको ये डिस्ट्रो, ये, मतलब कुछ डिस्कस कर रहा था जरा जाके भाई हम के पास आ गए यहाँ पे गर्मी गर्मी सी हो गई हा हा, मैंने तीन सौ करोड़ रुपए अभी तक लाओ सेंटोस के लोगों से लूट लिए हैं और उसका इस्तेमाल करके नाना दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल लावा बकेट खरीद लिया इस बकेट से मैं किसी को भी हरा सकता हूं किसी भी इंसान को दानव को या फिर गॉड को व्हाट तूने तूने सुना हाँ यही कि असल में इस लावा बकेट का अगर हम इस्तेमाल आइस गॉड के खिलाफ करें तो आइस गॉड डिफीट हो जाएगा और हम उसका अंडा ले पाएंगे फ्रैंकलिन ओके 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 मैं जल्दी से कार लेकर आता हूँ वो रही गाइज़ अपनी कार मतलब मेरी तो नहीं है मैंने किसी की ली थी ओके जल्दी से इसमें बैठता है और भाई लावा बकेट का ये वजन संभाल पाएगी टोनी खैर वो बाद में देखेंगे जल्दी टोनी भाई इसमें बैठ कार में लावा बकेट का इस्तेमाल करके हम आइस गॉड पर ऐसा धमाका करेंगे कि आइस गॉड को अपनी नानी दादी चाची सबकी याद आ जाएगी और साथ साथ में हम उससे उसका एलिमेंटल लाइक भी छीन लेंगे बिल्कुल सही काफ़ फ्रैंकलिन तूने चल पूरी स्पीड में निकल और इस आइस गॉड को दिखा दे कि हम इंसान क्या कर सकते हैं ऑल फ्राइट को अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक कर देना और

छोटे साइज की लावा बकेट ने इतने बड़े आइस गॉड की लिटरली मैं छक्के छुड़ा दिए क्या बैंड बजाई है अरे वाह फ्रैंकलिन कमाल कर दिया तूने तो चलो 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 चल्दी, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो चल्द। ओके गाइस ये रहा अपना एलिमेंटल एग इसी की तो ज़रूरत थी भाई साहब हमको इस एलिमेंटल एग का इस्तेमाल करके ऑल फादर गॉड इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो जे एक झटके में अपनी ऑल फादर गॉड की ट्रेन कंप्लीट कर देगा फ्रैंकलिन हाँ चल जल्दी चलते हैं चलो गाइस अब सीधा हम अपने घर ही चलते हैं यार कार कहाँ गई कार तो मिली नहीं खैर छोड़ो हम यहाँ पर पैदल ही आना पड़ा ओके okay, हट ये क्या है अबे टोनी देख आई फेंगी भैया यहाँ पर ऑल फादर गॉड के साथ मिलके हमने एक ट्रेन का डब्बा रेडी किया है अरे बच्चों फ्रैंकलिन तू कितनी लेट आया है देख अभी तक मैं बस एक ट्रेन का डब्बा ही बना पाया हूँ तब तब तक मेरी पावर मेरे पास ज़्यादा नहीं आएंगी मैं ज़्यादा ट्रेन के डब्बे नहीं बना पाऊंगा ऑल फादर गॉड की ट्रेन को बनाने के लिए मुझे मेरी पावर चाहिए अरे चिंता मत करो ऑल फादर गॉड मैं आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान लेकर आ गया हूँ ट्रेन ये यार ये बस दिक्कत ये है कि भाई अभी ये एक ही डब्बा है कोई बात नहीं है यहाँ पर ऑल फादर गॉड को अरे बाप वाह फादर गॉड एक सौ इतना बड़ा हो गया अरे वाह शुक्रिया बच्चों यहाँ पर मैं दोबारा से काम पे लग जाता हूँ बाकी फ्रेंड अगर तू चाहता है ट्रेन और जल्दी कंप्लीट हो तो जल्दी से वो पेपर को ढूंढ उसमें शायद कोई दूसरा टास्क होगा अगर मैं पूरा रियल ऑल फादर गॉड बन गया तो शायद मैं हेल्प हो पाया है वो पेपर मुझे नहीं पता है अरे पेपर मैंने यहीं छोड़ा था लास्ट टाइम एक मिनट वो ट्रेन के पास छोड़ के गया था शायद मैं ये रहा ओके गाइज ये रहा पेपर अब इसी पेपर पे क्या लिखा है ब्रिंग कंटेनर कंटेनर नहीं ट्रेन ओके okay, तो अगर हमें कंप्लीट ऑल फादर गॉड की ट्रेन बनवानी है तो हमें सात डब्बे चाहिए ट्रेन के वैसे टोनी कोई भी डब्बे चल जाएंगे ना हाँ कबाड़ वाड़ में से उठा लाएंगे फ्रैंकलिन चल तो भाई टोनी फिर जल्दी चलते हैं बस एक बार अपनी ऑल फादर गॉड की ट्रेन रेडी हो जाए फिर हम उस लावा गॉड की ट्रेन की तो बैंड बजा देंगे और साथ साथ में पर्दाफाश भी कर देंगे और वाह क्या कार है यार टोनी चल बैठ अब फ्रेंकलेन दूसरे लोग की अगर ऐसी कार चलाता रहेगा एक दिन उधर को

भी नहीं करनी पड़ेगी और हम ट्रक ला के भाई सारे के सारे ट्रेन के डब्बे भी ले जाएंगे हम्म बात तो तेरी तो तो सही है वैसे टोनी जरा देखें तो सही यहाँ पर ट्रेन के अरे वो रहे टोनी अरे भाई इनकी हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है एक काम करते हैं ड्रोन से चेक करते हैं गाइस कौन कौन से डब्बे क्वालिटी अच्छी है दिन की थोड़ी जिससे हमारा टाइम भी बचे और यहाँ पर भाई अपनी ट्रेन ऑल फादर गॉड की मजबूत बने एकदम बात तो उन्हें फ्रेंड ने एकदम बिल्कुल सही कही यहाँ पर मैं हाँ ये ऊपर वाले जो डब्बे हैं ये काफ़ी सही हैं नीचे वाले ख़राब हैं तो ऊपर वाले को ले लेते हैं हमें साथ चाहिए तो थोड़ा इधर उधर भी देख लेंगे ट्रेन के डब्बे ऑल राइट काइज़ अपना काम हो जाएगा बट टोनी इतने बड़े बड़े डब्बे हैं अम कैसे जाएंगे अरे मैं रुक ट्रेन, अरे अरे ट्रेन ट्रेन क्या हुआ तू तू मार दूंगा फ्रैंकलिन मैंने सुना है 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 ऑल फादर गॉड की बनवा रहा मेरा मालिक लावा ने मुझे भेजा है। सिर्फ इस दुनिया में अब लावा, की, लावा ट्रेन में की ट्रेन रहेगी उसी में जाएंगे अरे पापा क्या मारा हमारा oh नो no! वो लावा लावागोट के बच्चों का इस पता चल गया कि हम फादर गॉड की मदद कर रहे हैं फादर गोड वाली ट्रेन बनवाने में ये तो दिक्कत हो गई यहाँ से कुछ ना कुछ करके निकलना पड़ेगा लावा लावागढ़ अगर मतलब लावा नहीं लावागढ़ रेडवर्ग अगर तुमने हमें यहाँ से निकल ले दिया भाई तो हम तुम्हें यहाँ पर ऑल फादर गॉड की ट्रेन में शेयर कराएंगे बोलो क्या बकवास कर रहे हो हमें ऑलरेडी यहाँ पर पैसे लूटने में मजा आ रही है लावा ट्रेन में से तो मैं छोड़ूंगा नहीं अरे आइडिया

सिंचन की कार आती होगी कोई नहीं आ रहा अब तुम ये यार पापा क्या हो रहा है फ्रैंकलिन यार

यार जाल भी टूट गया की आर्मी की भी बैंड बज गई ही हो गया ऑल राइट गाइज हमें टोटल सात कंटेनर चाहिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उनको कलेक्ट करने में बाकी मैं ऊपर जाता हूँ और इनकी एक बार क्वालिटी देख लेता हूँ क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए भाई जिससे कि अपनी ट्रेन सौ साल तो टिक पाए वो भी ऑल फादर गॉड की कहा ट्रेन बहुत स्पेशल भी होगी ना टोनी मतलब उसमें ऑल फादर गॉड की पावर भी तो होंगी अरे बिल्कुल बहुत ड्यूरेबल भी होगी भाई ऑल राइट चल टोनी भाई यहाँ पर गई जितने भी यहाँ पर ये यह ट्रेन के डब्बे हैं एक बार हम ट्रक में शिफ्ट कर दें फिर सीधा मैं आपको मिलूंगा ऑल फादर गॉड के पास जब हमारी ट्रेन बन चुकी होगी मेरे बच्चों मुझसे अभी तक जितना हो सका था मैंने किया मैंने तुम्हारी ऑल फादर गॉड की ट्रेन को बनाया लेकिन दिक्कत ये है मैं अभी मेरी पूरी फॉर्म में नहीं हूँ इसलिए ट्रेन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है बट uh, मुझे तो ये पूरी कंप्लीट ही लग रही है देखो गाइस काफी ज्यादा ट्रेन के डब्बे भी आ गए लेकिन फ्रैंकलिन ट्रेन का इंजन तो है ही नहीं और हाँ भाई साहब ये तो सोचा ही नहीं गाइस आप सभी तो जानते ही हैं बिना ट्रेन के इंजन के ये जो डब्बे हैं ये सच में ही डब्बे हैं कुछ काम नहीं है इनका असल में ट्रेन के इंजन हमें चाहिए तब जाके अपनी ऑल फादर गॉड की ट्रेन कंप्लीट होगी और तब जाके ये रेल की पटरी पे चल पाएगी और इसकी सुपर पावर्स भी आएंगी मैं दिखाता हूं आपको देखिए यहां पर इसका डब्बा लगना चाहिए इंजन नहीं तो इसकी बैक साइड है लेकिन वो कम करें कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके बारे में तो ऑल फादर गॉड से बात करनी पड़ेगी गाइस क्योंकि ऑल फादर गॉड को हमारी मदद करनी होगी इस ट्रेन को कम्प्लीट करने में तभी तो हम इसको चला पाएंगे अरे ऑल गॉड ऑल फादर गॉड भाई आपने ट्रेन को तो बना दिया

हटे हम ट्रेन को पूरा कंप्लीट करके रहेंगे अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो, तो कमेंट में जल्दी से यस लिख दो फ्रैंकलिन जरा ध्यान से टास्क को ज्यादा खतरनाक ना हो बात तो सही यार? ऑल फादर गॉड की पावर वापस लाने के लिए सब कौन सा टास्क है चेक करें ये राकाइस पेपर अरे भाई कुछ अच्छा ही निकले इसमें पता चले कुछ ज्यादा खतरनाक हो ये मैंने खोला टास्क टू कंप्लीट डिस्ट्रॉय लावा गॉड ट्रेन व्हाट लावा गॉड की ट्रेन को डिस्ट्रॉय करना है बट यार ऐसा करना तो ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है फ्रैंकलिन हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है भाई अब हमने ठान लिया तो करके दिखाएंगे अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले लावा गॉड की ट्रेन को डिस्ट्रॉय करने से पहले हमें पैसेंजर्स को आगाह करना होगा कि कोई भी ट्रेन में ना बैठे क्योंकि भाई साहब अगर हम लावा गॉड की ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे तो हम तो पैसेंजर्स को भी होगा ना टोनी हाँ तो बात तो सही

अब यहां पर बर्बाद हो जाएगा मेरी लावा बुलेट ट्रेन में बैठते बैठते तुझे छोड़ूंगा नहीं लावा गॉड के बच्चे तो इससे पहले की पैसेंजर्स लावा ट्रेन पर बैठ जाए हमें इस लावा ट्रेन को डिस्ट्रॉय करना होगा तभी जाके हम ऑल फादर गॉड की ट्रेन को बना पाएंगे और लोगों को एक असली रियल फ्री वाली ऑल फादर गॉड की ट्रेन की सवारी करवा पाएंगे और इसका इंजन फोड़ दूँ डब्बा तोड़ दूँ फ्रैंकल ध्यान से अभी सिविलियंस भी बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर अरे हाँ गाइज हमें इस ट्रेन को सही ध्यान से देख दाख कर ही अटैक करना पड़ेगा और मेरी ट्रेन फोड़ोगे तो लोग भी मरेंगे फ्रेंकल ध्यान रखना वो मैं जानता हूं मैं इन लोगों को बचा लूंगा समझा और लावा गॉड तेरी ट्रेन को तो भाई मैं छोड़ूंगा नहीं आज कुछ भी हो जाए चाहे भाई टोनी चलती बैठ वो ट्रेन इससे पहले कि वापस जंगल में जाए और वहां पर राय की आर्मी फिर से में घेर ले और भाई उन लोगों को लूट ले हमें जल्दी इस गॉड की ट्रेन को रोकना पड़ेगा फ्रैंकलिन पूरी स्पीड में मांगा एक काम कर सामने ऊँचा सा ब्रिज आएगा उस ब्रिज पे चढ़ा और ट्रेन के ऊपर अपनी गाड़ी को चढ़ा दे उसके बाद हम इस्लामाबाद की ट्रेन को रोकने की कोशिश करेंगे ओके ओके मैं ऐसा ही करता हूँ ओके गाइस हम ट्रेन के ऊपर आ चुके हैं बट यहाँ से मुझे लग नहीं रहा टोनी कि हम को अरे रे हम तो नीचे भी उतर गए भाई टोनी क्यों ना हम यहाँ पर इस ट्रेन को बॉम्ब लगा उड़ा दे अब नहीं उससे सिविलियंस की जान जा सकती है यार ये बात तो तूने सही कही फिर क्या करे अरे हाँ याद आया टोनी तू कह रहा था तेरे पास जायंट आयम का सूट है हाँ है, नहीं असल में मैं बनवा रहा था जारवे से अभी तक तो बन भी गया होगा और इस सूट को तू भाई मेरे को दे दे मैं उस सूट को पहनकर जो पैसेंजर्स का डब्बा है ट्रेन का उसको अलग कर दूंगा और बाकी की ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा अब फ्रेंकलिन ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया था वाह चल जल्दी जा और जाके उनकी बैंड में जा राइट काइस अभी देखिए मैंने जायंट डायमंड का सूट पहन लिया है और देखिए मेरे सूट के आगे

ओके okay. यहाँ पर देखता हूं सारे ट्रेन के डब्बे नहीं गाइस अभी कुछ और है ये लो तुम भी ओके okay, गाइस क्या बात है अरे बाप रे क्या हुआ ट्रेन तो डिस्ट्रॉय हो गई लेकिन सिविलियंस पैसेंजर्स बच पाए या नहीं अरे भैया मचा लिया बचा लिया अरे फ्रैंगलिन तू तो, तो सुपर हीरो निकला

और right, अपनी ट्रेन अब हुई रेडी चलो भाई इसको चलाते हैं वो क्या बात है कितना स्मूथ चल रही है गाइस रोड पे ट्रेन इतनी सही चल रही है एक मिनट यहाँ पर कुछ बटन्स भी हैं ये रेड वाले अटैक से कि द, बटन से क्या होगा इससे अटैक होगा फ्रैंकलिन करके देख ओके करके देखोगे गाइस ये दबाया रेडन बाप रे! ट्रेन के चारों तरफ से बॉम ब्लास्ट बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं भाई मतलब अगर, अगर हमारा कोई दुश्मन हमारी ट्रेन को लूटने की कोशिश करेगा तो भाई साहब उसकी बैठ अच्छी खांसी मजा ही आ जाएगा चलो भाई सब एक काम करते हैं इस वाली बुलेट ट्रेन के लिए क्यों ना एक स्पेशल सा ऑल फादर गॉड वाला ट्रेन स्टेशन बना दिया जाए क्या बोलते हो अगर आप चाहते हो हम इस ऑल फादर गॉड की ट्रेन को और ज्यादा बेटर तरीके से अपग्रेड करें और साथ साथ में दोस्तों इसके लिए स्टेशन भी बनाए तो कमेंट में जल्दी से पार्ट टू लिख दो और हाँ स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो बहुत मजा आएगा थैंक यू सो मच